मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक बैड न्यूज़ देने वाली हूँ। तो मैं और मेरी बेटी तो अकेली हूँ सिक्किम में। मेरे हस्बैंड को अचानक से मुझे छोड़ के यहाँ पे जाना पड़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अ लाइफ विद पूजा सुमन। चैनल पे आप सभी को पूरे दिल से स्वागत है। तो अभी बज रहा है सुबह के 7 और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और अभी 6:30 बजे मैं सुमन को और मेरी बेटी को उठा दिया था। तो सुमन को मैंने बोला कि बेटी को थोड़ा लेके जाओ, उसको ब्रश कराना है स्कूल जाने से पहले। और यहाँ पे ये मेरी नया बेडशीट है और ये बिछाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये प्योर कॉटन है और अमेजन से हम लोगों ने ऑर्डर किया था। और इसकी क्वालिटी और कलर को लेकर और डिज़ाइन को लेकर कोई भी इशू नहीं है। ये जयपुरी डिज़ाइन है। वैसे भी बेड कवर अगर प्योर कॉटन का हो तो ही मज़ा आता है सोने में। बाकी के जो मिक्स कॉटन वाला बेडशीट होते हैं ना, वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से बेकार है। वो चादर के साथ 2 पिलो कवर भी दिया है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा ही एक सेट है और ये पिलो कवर भी सेम डिज़ाइन का ही है। तो मैं अभी पिलो कवर भी सारा का सारा चेंज कर दूँगी। सिक्किम में अभी तक ठंड खत्म नहीं हुई, इसलिए कंबल ओढ़ना भी बंद नहीं हुआ। तो मेरे बेड पे 2 कंबल दिखाई दे रहा है, एक मैं ओढ़ती हूँ और एक सुमन ओढ़ता है। और मेरी बेटी जो है बीच में सोती है, इसलिए हम दोनों को 2 कंबल का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि मेरी बेटी को मेरा वाला जो कंबल है ना, वो ज़्यादा पसंद आता है। वो कहती है कि मम्मा मुझे आपके कंबल में सोना है, पापा के नहीं। मैंने और भी एक बेड कवर का ऑर्डर किया था और वो ये है। ये भी फ्लावर प्रिंट से ही है और बीच में ये डिज़ाइन रहेगा और साइड में से ऐसे फ्लावर प्रिंट किया है। इसके साथ साथ मैंने एक कारपेट भी लिया था जो परसों मेरे घर के सामने एक भैया आए थे बेचने के लिए। अगर हो सके तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा नया कारपेट, और ये भी फ्लावर में ही है, डिज़ाइन पूरा फ्लावर में ही है और ये नीचे से काफ़ी गॉर्जियस है, काफ़ी गॉर्जियस और पर्पल में से है। जैसे कि मेरा ये सामने वाला पर्दा मैंने लगाया था पर्पल कलर का, और उसके साथ ये पर्पल ये कारपेट भी सर पर बेड पर बिछाने से बहुत ही मैच हो रहा था। तो अभी बेटी के स्कूल में जा रही हूँ उसको लाने के लिए, और छोड़ के आई थी आपके घर में आके थोड़ा पूजा किया, उसके बाद थोड़ा सा खाना खाया वो भी बहुत ही जल्दी जल्दी में, और अभी फिर दौड़ दौड़ के जा रही हूँ स्कूल उसको लाने के लिए। लेकिन ये जो हिल एरिया में आना जाना मेरा हो रहा है, ऊपर से आपका उसका स्कूल का जो स्कूल जाते समय बहुत सारा सीढ़ियाँ चढ़ना भी पड़ता है, उतरना भी पड़ता है, तो इसको मैं मोटिवेशन की तरह ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वेट गेन हो गया है मेरा। तो ऐसे करते करते थोड़ा वक्त भी हो जाएगा। वैसे तो मैं एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है मेरे पास, तो ऐसे ही समझ लो मेरा एक्सरसाइज हो रहा है, ऐसे ही समझ लो मेरा जितना भी मैं वेट गेन हुआ है मेरा, वो कम होता जा रहा है। तो चलो अब स्कूल जाके ही आपसे मिलती हूँ। Thank you.
बेटी का स्कूल दिखाई दे रहा है, मतलब इतना सारा सीढ़ी उतरने के बाद अभी भी सीढ़ी उतरना है और वो दूर में है मेरी बेटी की स्कूल। यहाँ से मेरी बेटी निकलेगी, इसलिए यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अभी मेरी बेटी घर पे आ गई है और ये इसका स्कूल यूनिफॉर्म है जो मैं एक बाल्टी में रख रही हूँ कल सुबह धोने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी गंदा हो चुका है और आज फ्राइडे भी है तो कल सैटरडे संडे इन लोगों का छुट्टी रहता है तो कल आराम से धो सकती हूँ। तो अभी बेटी को स्कूल से घर में लेके आई हूँ और उसका ड्रेस भी छुड़वा दिया। अभी मैं क्या करूँगी, गर्म पानी और कॉटन के कपड़े से उसको फ्रेश करूँगी, क्योंकि रास्ते से आते आते जितना भी धुआँ धूल डर्स वगैरह उसका फेस पे चिपक जाता है और हाथ पैर में भी, वो भी साफ़ कर लेना चाहिए, इसीलिए मैं पोछ रही हूँ। और ये हर दिन ही मैं करती हूँ स्कूल से वापस आने के बाद। लेकिन देखिए कैसे रो रही है, ये अभी मान नहीं रही है क्योंकि उसको अभी खेलना है, ये सब पसंद नहीं आ रहा है। खास करके अभी भी हम लोग कोविड के सिचुएशन से पूरी तरह से नहीं निकले हैं तो इन सब चीज़ों में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी गर्म पानी से पोंछ के इसको मैं कपड़ा पहना के थोड़ा बहुत कुछ खिला दूंगी, उसके थोड़ी देर बाद फिर से नहाऊंगी और बाद में करेंगे लंच। लंच बॉक्स स्कूल में नहीं खाया था तो घर में लेके आया और मैं एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को कि आज मैं इसको लंच में क्या भेजा था। अरे ये है पीनट बटर से भेजा था ब्रेड और यहाँ पे है अंडा। लगता है इसको भूख बहुत ज़्यादा लगा है इसलिए खा रही है। बहुत भूख लग जाता है ना बच्चा जब स्कूल से आता है तो वही मैं 9 बजे इसको एक दूध पिला के भेजी थी पीडियाश्योर और अभी आई है और अभी आने के बाद इसको मैं बैग में खाना डाल के रखती हूँ। और इसका स्कूल का जो मिस है बोले थे कि बैग में खाना डाल के रखिए, अगर कोई कभी भी बच्चा को भूख लग सकता है तो उस टाइम हम लोग खिला देंगे, तो मैं दे के रखी थी लेकिन हर रोज़ दे के रखती हूँ लेकिन खाती नहीं है उधर, पता नहीं कुछ नहीं बोलती होगी या फिर लंच का टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो घर में आके जितना भी खाना मैं बैग में इसको टिफिन में डाल के भेजती हूँ उतना ही खाना ये घर पे आके खाती। आजकल चावल खाने के लिए ये बिल्कुल मानती नहीं है तो बहुत इसके साथ बहुत ज़बरदस्ती करना पड़ता है, चावल खिलाते समय मुँह में रख देगी, बहुत टाइम लगाती है चावल खाने में तो इसको मुँह में रख के बैठी रहेगी, 10 मिनट 15 मिनट होता रहता है ये बैठी रहती है और इतना बोरिंग, उस टाइम मैं बहुत बोर हो जाती हूँ तो गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा कि क्यों इतना लेट कर रही है। तो पहले वो चावल अच्छे से जल्दी जल्दी खाती थी, जितना भी बड़ा होता जा रहा है ना उतना ही उसका खाने का स्टाइल बदलता जा रहा है। लो थैंक यू मासी, थैंक यू मासी। तो अभी मैं वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ, लेकिन ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक बैड न्यूज़ देने वाली हूँ और वो है इट्स अबाउट माई फादर इन लॉ। वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत दिन से उनका बीमारी चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है बहुत सालों से। तो कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटलाइज्ड थे लेकिन उसके बाद वो उनको घर लेके आया गया और घर लाने के बाद वो फिर से बीमार पड़ गए और अभी उनका बीमारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है उनको फिर से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो हॉस्पिटल में 2 दिन पहले भी बाबा का हालत सही था लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, मेरे हस्बैंड कंपनी ऑफिस गए थे और उनको घर से फ़ोन आया कि मेरी सासू माँ ने फ़ोन की थी और वो बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि जल्दी से आ जाओ, पापा का हालत बहुत ही ख़राब होता जा रहा है।
पता नहीं पापा को फिर से देख पाओ या ना पाओ। तो मेरे हस्बैंड भी लगभग रोने ही वाले थे और उनको कंपनी से ही कोलकाता के तरफ निकलना पड़ा। वो सिलीगुड़ी होके शायद बगडोगरा जाएंगे। पता नहीं वो कैसे आज घर पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो कोई भी प्लान नहीं था घर जाने का। तो मैं और मेरी बेटी तो अकेली हूँ सिक्किम में और उनको जाना पड़ा पापा को देखने के लिए। और पता नहीं वो बस से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे कि फ्लाइट से जाएंगे, शायद फ्लाइट से चले जाए। और बहुत ही ख़राब लग रहा है, क्योंकि वो जो आदमी है ना मेरी ससुर जी, उनको मैं अपना पिता ही मानती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, काश मैं भी जा पाती उनके साथ। लेकिन मेरे हस्बैंड को अचानक से मुझे छोड़ के यहाँ पे जाना पड़ा, अकेले ही जाना पड़ा। तो यही एक खबर सुन के बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। फिंगर कॉस्ट सब कुछ ठीक ठाक हो। आप लोग भी थोड़ा प्रे कीजिए कि मेरा बाबा का तबीयत सही सलामत हो जाए। और चलिए, पता नहीं आज का वीडियो शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए, मेरे चैनल को आगे जाने में हेल्प कर दीजिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है, अनमोल है। और आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे है। तो जो बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नया एक वीडियो लेके, नया एक ब्लॉग लेके। तब तक के लिए मैं बोलूंगी टाटा, लव यू ऑल।